YouTube चैनल ओपन करने से पहले पांच बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं YouTube मनोरंजन का साधन था, आज कहा जाए कि कमाई रोजगार का भी साधन है। YouTube नाम और शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाने की जरिया है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर का प्रसिद्धि कमाई होता है। YouTube अब करियर का जरिया भी बन गया है। YouTube के माध्यम से लोग अपने करियर भी बना रहे हैं। YouTube के माध्यम पर अपना रातों रात या बहुत सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। YouTube एक नॉलेज देने और लेने की जरिया है। यह एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जानकारियां या नॉलेज या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर पहले के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होती थी, गुरुकुल में या कोई जागरूक। आज कहा जाए कि आप जो भी जानकारी जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। कितने लोग अपने एक्सपीरियंस अपने ज्ञान को शेयर करते हैं और कितने लोग ज्ञान को लेना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट कॉमेडी या कोई भी शो, आप वहां से ले सकते हैं। आज कहा जाते हैं कुछ लेने के बदले में कुछ देता है। यह एक सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया है जिससे आप एक अच्छे सी जानकारियां ले सकते हैं। लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के शेयर करते हैं, अपने प्रसिद्धियों को शेयर करते हैं, जो उनके पास कलाएं हो शेयर करते हैं ताकि दूसरों को सीख सके। उसी तरह यह नाम और शोहरत के साथ साथ पैसे कमाने की भी जरिया है। अब कहा जाए कि YouTube चैनल ओपन करने के लिए आप सोच रहे हैं YouTube चैनल मात्र 2 मिनट में बन सकता है। जैसे YouTube चैनल बनाने से जैसे दुकान या किसी एग्जाम देने से पहले तैयार होना पड़ता है, उस एग्जाम के पूरी कोर्स या जानकारियां नॉलेज लेनी पड़ती है। उसी तरह तब जाकर एग्जाम में रिजल्ट आता है या एक टॉपर बनते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ दिन बिना नॉलेज या कुछ दिन एथी करने के महीनों के बाद YouTube को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारियां या नॉलेज नहीं होती है। एग्जाम को प्रिपेयर करने के समय उसी तरह एक दुकान खोलने से पहले उसको उसके बारे में पहले ही डिस्कस करते हैं, उसकी जानकारियां लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यह है। सबसे पहले अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करें। नंबर 1, अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करें। आप किस कैटेगरी के चैनल ओपन कर सकते हैं, आपकी किस में इंटरेस्ट है, किस में जानकारी है, क्योंकि बिना जानकारी के चैनल ओपन करेंगे आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा, आप YouTube छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए उसको कंटेंट को कैटेगरी बाई कैटेगरी चुनिए और उस पर जानते हैं कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन YouTube पर हो गया। एक टॉपिक पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। अपने कंपटीशन आप ऐसे टॉपिक के सिलेक्ट कीजिए जहाँ कंपटीशन कम है, जैसे साइकोलॉजी, मानचित्र और ब्लॉगिंग, ट्रेवलिंग, फूड से लेकर ऐसे जानकारी। जैसे कि आपका एक छोटा सा किराना की दुकान है तो किराने के बारे में ही जानकारी लोग और भी देखना चाहते हैं, वो भी नॉलेज लेना चाहते हैं। दूसरा का कैटेगरी है कि आप सिलेक्ट आपको पास कुछ सामग्रियाँ होना चाहिए, जैसे कि आप YouTube वीडियो बनाने के लिए आपके पास माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, एडिटिंग एप्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसमें से 3 इम्पोर्टेंट है, आपके पास कैमरा है या ना, मोबाइल, ट्राइपॉड और माइक। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कैमरा होगा। कैमरा के माध्यम से आप शुरू में वीडियो एडिटिंग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि
उसी के माध्यम से कैसे कि आपके पास अभी अर्निंग शुरू नहीं हुई है उसी से आप कर सकते। ट्राइपॉड इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, शूट करना है, तो ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। और माइक इसलिए ज़रूरी है कि माइक से आपका आवाज़ की क्वालिटी और वहाँ की क्वालिटी क्यों अच्छी आती है और बाद में बैकग्राउंड में नोज नहीं आता है, आप इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद स्क्रिप्ट, जिस तरह की फिल्म में फिल्म बनाने या मूवी बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसी तरह आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले रिसर्च कर ले, उसके बारे में पूरी तरह जानकारी ले ले, और उसके जानकारी लेने के बाद एक स्क्रिप्ट लिखे, एक कॉपी पर लिखे और एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे और कहाँ कब क्या बोलना है उसको लिखे लिखते हैं, कैसे कि जब वीडियो बनाते हैं तो उसको मिस ना हो जाए, उस समय कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। अब इतना हो गया तो आपको वीडियो SEO करना है। SEO का ऐसे कैसे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग, ये तीन जरूरी होती है जो कि आपके वीडियो में रैंक कराने में मदद करती है। जैसे कि SEO कैसे कर रहे? आप किसी पर फूड को कैसे बनाए, खाना कैसे है, राइस कैसे पकाए, तो राइस के बारे में जानने के लिए उस पर जाकर गूगल पर रिसर्च कीजिएगा तो वहाँ से उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द मिल जाएगी कि चावल कैसे पकाया जाता है, चावल पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ऐसे मिल जाए, उसलिए वो टैग में डालें और डिस्क्रिप्शन में जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आया वो टाइटल में जाए जो कि है। उसके बाद थंबनेल एक्टिव होना चाहिए कि जो कि आपके वीडियो का एक्टिव रैंकिंग कराने में मदद करेगा। उसके बाद आता है ये सब हो गया, SEO हो गया है तो YouTube मार्केटिंग कैसे करें, जबकि यह सब हो गया तो अपने वीडियो को शेयर करें, जैसे कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई अकाउंट होता है वहाँ से, क्या कि आज कंपटीशन इतना तेज़ी से बढ़ गई है कि आपको अकाउंट अपने वीडियो को SEO आपको मार्केटिंग करना जरूरी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, लोग आपके बारे में जानेंगे तभी आपको चैनल पर ग्रोथ होगा और आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको जानेंगे, आपके हो सकता है आपका रिलेटिव ही आपको पसंद करने लगे या आपको जाने, जितने व्यू आएगा उतने ही आपका ग्रो और सब्सक्राइबर बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। यह वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।